नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी पावर में। आज इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2019 की जनरल अवेयरनेस की क्लास फोर्थ डिस्कस करेंगे। तीन क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सभी वीडियोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन के कंटेक्स्ट में स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है जो कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म है। आप अच्छे से फुल फॉर्म्स भी याद करके जाइएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? द सिटी ऑफ बेलगावी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो बेलगावी सिटी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो बेलगावी सिटी कर्नाटका में लोकेटेड है। तो बेलगावी कर्नाटका की सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक खाता धारक के लिए कोई ब्याज नहीं कमाता है? तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंक अकाउंट डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट फॉर द अकाउंट होल्डर। तो जैसे अगर हम किसी भी अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो हमें उसके बदले मिलता है ना ब्याज मिलता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसके बदले हमें ब्याज नहीं मिलता अगर हम उस अकाउंट को खोलते हैं? तो इसका सही उत्तर है करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में हमें ब्याज नहीं मिलता है। अब अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में विश्व कप 2019 खेलने वाली भारतीय टीम के उपकप्तान कौन है? तो आपको बताना है, जो इंग्लैंड में विश्व कप हुआ था अभी 2019 का, तो हमारी भारतीय टीम के कप्तान तो सबको पता है कि विराट कोहली जी हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि उपकप्तान कौन है। तो हाल ही में जो इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था वर्ल्ड कप 2019 का, उसमें भारतीय टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा उपकप्तान थे और हमारे देश के कप्तान थे विराट कोहली। 1872 में लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय की हत्या में की गई। तो 1872 में जो हमारे देश के वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड मेयो, तो इनकी डेथ हो गई थी, इनको मारा गया था। तो आपको ये बताना है कि किस में की गई? तो इसका सही उत्तर है पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इनकी मृत्यु हुई थी, जिनका नाम था लॉर्ड मेयो, जो कि भारत के वायसराय थे उस समय पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो गोमती नदी इसका सही उत्तर होगा, जिसके किनारे पर द्वारकाधीश का मंदिर स्थित है गुजरात में। कंप्यूटर शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, तो इसमें रैम का पूर्ण रूप क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर की दुनिया में उम्बर्टो क्या है? तो कंप्यूटर की दुनिया में उम्बर्टो का मतलब होता है ओपन सोर्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, या फिर उम्बर्टो का मतलब ये होता है। अगला प्रश्न है, मई 2019 में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निम्नलिखित में से किसे युवा मामलों और खेल का पोर्टफोलियो आवंटित किया गया? तो 2019 में एनडीए की नई गवर्नमेंट बनी है, तो इसके बाद न्यू कैबिनेट मिनिस्टर भी बने हैं। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के पोर्टफोलियो किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है किरेन रिजिजू। तो किरेन रिजिजू है जिन्हें खेल का और युवा मामलों का पोर्टफोलियो आवंटित किया गया है। चमकीली सुनहरी सीमाओं से अलंकृत किस रंग की साड़ी को मोहिनी अट्टम के नर्तकियों द्वारा पहना जाता है? तो आपको उस कलर का नाम बताना है कि कौन से कलर की साड़ी पहनते हैं मोहिनी अट्टम के नर्तकिये, यानी कि मोहिनी अट्टम के जो डांसर्स होते हैं, जो ये डांस करते हैं मोहिनी अट्टम, तो इसके कौन से कलर की ड्रेस पहनते हैं? तो इसका सही उत्तर है वाइट ऑफ वाइट, यानी कि वाइट कलर की ड्रेस पहनी जाती है मोहिनी अट्टम करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 के दशक के किस लोकप्रिय भारतीय बैंड ने मोहित चौहान के साथ अपना पहला एल्बम बॉन्डे सीन रिलीज किया था? तो आपको उस बैंड का नाम बताना है कि कौन सा बैंड है जिसने मोहित चौहान के साथ 90 के दशक में एल्बम लॉन्च किया था, अपना पहला एल्बम। तो इसका सही आंसर है सिल्क रूट। तो सिल्क रूट है उस बैंड का नाम
जिसने 90 के दशक में मोहित चौहान के साथ अपना पहला एल्बम बॉन्डे सिन रिलीज किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए 2019 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट स्मृति ईरानी को कौन सा पोर्टफोलियो सौंपा गया है? तो 2019 में अभी मैंने आपको बताया कि नया कैबिनेट बना है, तो इसमें स्मृति ईरानी को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया गया है। तो हाल ही में वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों के लिए एक दिवसीय विश्व कप जीता है? तो इसका सही उत्तर है 2011। तो 2011 में आखिरी विश्व कप जीता गया था हमारी क्रिकेट टीम के द्वारा, मेंस क्रिकेट टीम के द्वारा, और 2019 में हुए ये जीता गया इंग्लैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? तो आपसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में, क्लाउड कंप्यूटिंग की लैंग्वेज में पास का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आप डबल ए एस कर दीजिएगा, इंग्लिश में सही है लेकिन हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे पास हो जाएगा। इसका पास का फुल फॉर्म है कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है पास की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, 1937 में चेन्नई में मुत्तैया चिदंबरम चेती तार मुत्तैया चिदंबरम चेटिया ने निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? तो आपको ये बताना है, जो कि ये मुत्तैया चिदंबरम थे, इन्होंने 1937 में चेन्नई में एक बैंक स्थापित की थी, तो उस बैंक का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के जो फाउंडर हैं उनका नाम है मुत्तैया चिदंबरम, इन्होंने 1937 में इसकी स्थापना की थी। बोली, बम और पिस्तल एक क्रांति नहीं बनाते हैं, क्रांति की तलवार विचारों की मट्ठा पत्थर पर तेज होती है, ये सेंटेंस किस सेनानी के द्वारा कहा गया है? यानी कि ये एक पूरा सेंटेंस है, तो आपको ये बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है, ये स्वतंत्रता सेनानी किसकी लाइन है, किस स्वतंत्रता सेनानी की लाइन है? तो इसका सही उत्तर है भगत सिंह। तो भगत सिंह के द्वारा कहा गया था, बॉम्ब्स एंड पिस्टल डू नॉट मेक अ रिवॉल्यूशन, द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन इज शार्पन्ड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। बम और पिस्तल एक क्रांति नहीं बनाते हैं, क्रांति की तलवार विचारों के मट्ठा पत्थर पर तेज होती है, ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया है। सस्तम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है सस्तम कोटा झील किस राज्य में है, तो सस्तम कोटा झील केरला में है। सस्तम कोटा लेक लोकेटेड इन केरला। डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट आपको बताने की किस धातु का अयस्क है, तो ये कैल्शियम का अयस्क है, डोलोमाइट इज अ ओर ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को कौन सा डे घोषित किया? यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 3 जून को कौन से डे के रूप में डिक्लेयर किया गया 2018 में? तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो 2018 में वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाने की बात की गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 3 जून को, तो 3 जून को ऐसा वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। भारत में केंद्रीय राजस्व अधिनियम किस वर्ष में प्रख्यापित किया गया? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट कब आया था हमारे देश में, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है 1963, 1963 में प्रख्यापित किया गया था केंद्रीय राजस्व अधिनियम। इंदिरा सागर बांध जो कि एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो बांध है जिसका नाम है इंदिरा गांधी सागर बांध, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध एक ठोस गुरुत्वाकर्षण का बांध है, ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, जब दबाव किसी तरल पदार्थ पर लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून इस घटना की व्याख्या करता है? तो एक लॉ है इनमें से, जिस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब भी दबाव किसी तरल पदार्थ पर लगाया जाता है, जब किसी तरल पदार्थ पर प्रेशर लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैल जाता है। तो इसका सही उत्तर है पेस्कल्स लॉ। तो पेस्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर निष्पादित आस्तियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो आपको उस कमेटी का नाम बताना है जो कि अपॉइंट की गई थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो आजकल पब्लिक सेक्टर बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे कि अगर कोई भी बैंक लोन देता है
तो उसका जो लोन दिया जाता है उसकी इंटरेस्ट भी वापस आती है बैंक के पास और उसका अमाउंट भी वापस आता है। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होती हैं, इंटरेस्ट तो छोड़ो वो अमाउंट भी वापस ना आए, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती हैं बैंक की। तो इसी के बारे में एक कमेटी बनाई गई थी इसकी डिटेल रिपोर्ट निकालने के लिए, तो उस कमेटी का नाम है पनीर सेल्वम कमेटी। तो पनीर सेल्वम कमेटी है वो जो कि बनाई गई थी पब्लिक सेक्टर बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड। जनवरी 2019 में आरबीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सुझाव देने के लिए किस पैनल की स्थापना की थी? तो आपको उस पैनल का नाम बताना है जो कि आरबीआई के द्वारा सजेस्ट किया गया था डिजिटल पेमेंट को और भी ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए। हम सभी लोग आजकल फ़ोनपे पेटीएम जैसे यूज़ करते हैं, तो इन्हें और भी ज़्यादा इस भुगतान को सुरक्षित करने के लिए कौन सा पैनल बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है नंदन नीलकानी पैनल। तो नंदन नीलकनी पैनल है जो कि जनवरी 2019 में आरबीआई के द्वारा बनाया गया। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।